الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. This week a random reminder, Surah Hud में से आयत नंबर 9, 10 and 11. मैं पहले आपके सामने इसको roughly translate करता हूँ और फिर हम उसका थोड़ा सा context भी समझेंगे, क्योंकि कुरान के student के तौर पर जो एक चीज़ जो बहुत important है, जो जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, कि आप कुरान की कोई भी आयत को समझने की कोशिश जब करेंगे ना, तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना बड़ा ज़रूरी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हैं, उससे पहले की आयतें क्या बात कर रही हैं, उसके बाद आयतें कैसे मूव कर रही हैं, तभी जाके वो जिन आयतों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उनका असल क्रक्स, उनका असल फ्लेवर हम कुछ समझ पाएंगे. वरना बहुत सारी आयतें कुरान में ऐसी हैं जो कि बड़े यूनिवर्सल किस्म के लेसन हैं उसके अंदर, लेकिन येट उसको जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझेंगे तो वहाँ आपको उसकी प्लेसमेंट की खूबसूरती का अंदाज़ा होगा और वहाँ से जो मीनिंग में डेप्थ समझ आएगी वो उससे पहले कभी नहीं आ सकती. तो ये आयतें इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन थुम्मा नज़अनहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फॉर श्योर अगर हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमतें अता करते हैं, उस रहमत का मज़ा चखाते हैं, उसकी उसके लिए आसानियां करते हैं, और फिर उन नेमतों को देने के बाद वो नेमतें इस तरह की होती हैं कि इंसान उसको अपना हक समझ के इस्तेमाल करने लगता है, उनका आदी हो जाता है, राइट. लेकिन टू बिगिन विद वो नेमतों से कभी उसकी नहीं थी, कभी अल्लाह ताला ने उसको दी थी. लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है जब मैं उसको नेमतों का मज़ा चखाता हूँ वो यूज्ड टू हो जाता है, सुम्मा नज़ाना हा मिन्हु, और फिर मैं उनको उस नेमतों को दूर कर देता हूँ. वो नेमतें फॉर सम टाइम हमसे दूर कर दी जाती हैं, हमसे ले ली जाती हैं, या उन नेमतों में कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, वो नेमतें वो आसानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, वो अल्लाह ताला खींच लेते हैं. इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो फॉर श्योर जो एक इंसान होता है वो मायूस हो जाता है. और फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कफूर, और ये भी हाइपरबोलाइज्ड फॉर्म है कफूर. देखिए अगर ये इंसान की फितरत में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर हम पर अच्छे हालात आए तो हम सुकून में हैं, और जब बुरे हालात आ गए, जब मुश्किल आ गई है, तो हम मायूस होंगे. थोड़ा मायूस होने में कोई इतना मसला नहीं है, या हमें तकलीफ होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो मायूसी इतनी बढ़ जाए कि इंसान कफूर की फॉर्म में चला जाए, दैट इज एन इशू, कि इंसान डिनायल में चला जाए, इंसान कहे कि मेरे साथ तो कभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और अल्लाह ताला ने जो उसको इतनी सारी नेमतें और इतनी सारी आसानियां उसको दी हैं, जिसको फॉर ग्रांटेड लेता आ रहा है, उन सब का भी इनकार कर देना, ये तो सबके पास है भाई, दो वक्त का खाना सबको मिल रहा है, इसमें क्या स्पेशल बात है. तो इसमें बहुत स्पेशल बात है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जिनके लिए सिर्फ ये सोचना है कि आज वो अपने टेबल पे क्या रखेंगे, अपने दस्तरखान पे क्या रख के खाएंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. हम में से बहुत सारे लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि उनके पास इतना कुछ है खाने के लिए कि उसके बाद उनको ये फिक्र होती है कि ये सब बर्न कैसे होंगी कैलोरीज, समझ रहे हैं आप. तो कोई मुश्किल आ गई, उसका गम होना, उसमें गमगीन होना इट्स नॉर्मल, लेकिन गम जब वो इस हद से बढ़ जाए कि इंसान कुफूर की फॉर्म में चला जाए, कफूर की फॉर्म में चला जाए, यानी अल्लाह ताला को डिनाई करने लग जाए, अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करने लग जाए, और कुछ लोग फिर ज़्यादा एक हद क्रॉस करते हैं, वो अल्लाह ताला से नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला से कंप्लेन करते हैं, लेकिन पिछले बाकी जो टाइम जो अच्छा गुजरा था वो कभी उन्होंने उस चीज़ का एहसास ही नहीं किया था, वो हमेशा समझते थे कि दिस इज़ वट वी डिज़र्व, मेरा हक है, मुझे मिलना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके लिए या तो मेहनत की थी, या मैं ऐसे खानदान में पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, तो दीज आर लाइक माई बर्थ राइट्स. लेकिन ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ताला इंसान को यहाँ ये समझा रहे हैं. और फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वला इन अज़क़नाहु नअमा बादा दर्रा मस्सतहु लयकूलन ज़हबस सय्यातु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़खूर. और जब हम उसे किसी बड़ी नेमत का मज़ा चखाते हैं, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के उसे कुछ अता कर देते हैं, ना मा
नेमत नहीं, सिर्फ नामा कोई कोई बड़ी चीज़ अता कर देते हैं, कोई बड़ी खुशी दे देते हैं जो उसने सोची भी नहीं थी। बाद दर्रा मस्सत हो, इस चीज़ के बाद, मतलब जब किसी मुश्किल में वो इंसान फंसा हो, बड़ा नाउमीद हो रहा हो, हर जगह जॉब अप्लाई कर रहा हो, जॉब नहीं मिल रही हो, हर जगह रिश्ता ट्राई कर रहा हो, रिश्ता नहीं मिल रहा हो, हर जगह अपना बिजनेस चलाना चाह रहा हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, चीज़ें इंप्रूव करना चाह रहा हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में काम करना चाह रहा हो, कुछ भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, मुश्किल पे मुश्किल, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला उसे एक बड़ी नेमत अता कर देते हैं, बड़ी खुशी अता कर देते हैं जो कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के भी बियॉन्ड थी। ऐसी जॉब अता करती जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, आपकी ड्रीम जॉब से भी बढ़ के जॉब, आपके ड्रीम रिश्ते से भी बेहतर रिश्ता, आपके ड्रीम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से भी बेहतर कोई अल्लाह ताला कॉन्ट्रैक्ट अता कर देता है, राइट, बहुत ज़्यादा कुछ अता कर देते हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो फिर इंसान क्या कहता है, लयकूलन्ना, फॉर श्योरली इंसान कहेगा, ज़हब सैयात वन्नी, कि भाई मेरा बुरा वक्त ख़त्म हो गया, सब बुराइयां मुझसे छट गईं, इन्नहु लफरीहुन फ़खूर, तो फॉर श्योर वो खुश होगा, खुश होने में कोई मसला नहीं है, खुश होने में कोई मसला नहीं है, जिस तरह कोई चीज़ छिन गई तो उसमें मैं गमज़दा होने में कोई मसला नहीं था, थोड़ी सी मायूसी में कोई मसला नहीं था, मसला क्या था, कफूर में मसला था, नाशुक्री में, डिनाइल में, इसमें क्या मसला, अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नहु लफरीहुन फ़खूर, तो थोड़ी बहुत खुशी तो इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ नेमत अता की होगी तो इंसान खुश क्यों नहीं होगा, लेकिन लफरीहुन फ़खूर, तो उसमें अकड़ना शुरू हो जाता है, उसमें एरोगेंट हो जाता है, उसमें उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा बर्थ राइट था, इसके पीछे मैंने काम ही ऐसा किया था, इसको तो होना ही था और ऐसे ही होना था, अब फिर वो लोगों में उसको अपनी शोहरत के लिए यूज़ करता है, उस खुशी पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय वो उसको एक सोर्स बनाता है कि मैं लोगों को डिमीन करूँगा, मैं लोगों को जलाऊंगा, मैं लोगों को हकारत से देखूंगा, क्योंकि अब मेरी सेल्फ वर्थ इस नेमत के अंदर है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जो बड़ी नेमत मैंने तुम्हें दी है वो तो मैंने दी है, सही, उसकी टाइमिंग भी मेरी थी, सही है, तुमने उसके लिए कोशिश की होगी, मेहनत की होगी, मुझसे बड़ी दुआएं की होंगी, अब मैंने तुम्हें दी है तो अब मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुश हुए, लेकिन तुम खुशी से ज़्यादा अपने तुमने अपनी हद क्रॉस कर दी, और तुम मगरूर हो गए, तुम एरोगेंट हो गए, तुम फ़ख्र करने वाले हो गए, तुम लोगों को नीचा दिखाने वाले हो गए उस नेमत की वजह से। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 11 में कह रहे हैं इल्लल्लज़ीना सबरू वअमिलुस सालिहाती उलाइका लहुम मग़फिरतुन व अज्रुन कबीर, तो अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान की एक नॉर्मल फितरत बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी में क्या बैलेंस पैदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस तरह का बैलेंस्ड देखना चाहता हूँ। तभी अल्लाह ताला कह रहे हैं एक तो वो इंसान है जब उसको कुछ गम कुछ एक तो वो इंसान है जब उसको अल्लाह ताला रहमत देते हैं और उस रहमत को बाद में खींच लेते हैं, उससे दूर कर देते हैं, तो वो मायूस हो जाता है और यहाँ तक कि वो कुफर करने लगता है, कुफर का मतलब ये कि डिनाइल में चल जाता है, नाशुक्री करने लगता है हर चीज़ पे। उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरे साथ हमेशा ही बुरा हुआ है, वो कभी वो अच्छी चीज़ें देख ही नहीं पाता, उसको आप अच्छी से अच्छी चीज़ भी अता करते हैं लेकिन वो हमेशा वो नेगेटिव चीज़ें वो उसके साथ रहेंगी, क्योंकि वो उस थॉट से हट ही नहीं रहा, वो बिगर पिक्चर देख ही नहीं रहा जिसपे अल्लाह ताला लाना चाह रहे हैं कि दुनिया आजमाइश के लिए बनी है, और इसका उसके बरक्स जब अल्लाह ताला उसको कोई बड़ी नेमत अता करते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, तो अब वो मगरूर हो जाता है, अब वो एरोगेंट हो जाता है, अब वो एक्सट्रीमली प्राउडी हो जाता है, वो लोगों को हकारत से देखने लगता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन दोनों एक्सट्रीम पर्सनैलिटी के बीच में एक पर्सनैलिटी है इल्लल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो कि परसिस्टेंट रहते हैं, वो लोग जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं, वो अमिलुस्सालिहात, और वो नेक अमल करते चले जाते हैं, हालात जैसे भी हों जितना वो नेक अमल कर सकते हैं वो करते हैं, उलाइका लहुम मग़फिरतुन व अज्रुन कबीर, तो ऐसे ही लोगों के लिए मग़फिरत है, मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे ही लोगों की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं अल्लाह ताला उनको छुपा देंगे, यानी अल्लाह ताला ने परफेक्शन ही इंसान से डिमांड की हुई, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो भी गलतियाँ कर रहे होंगे, उनके भी मसले मसाइल होंगे, लेकिन क्योंकि उनका मेजर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ वो बड़ा बैलेंस्ड किस्म का होगा, और वो बैलेंस किस्म का क्यों होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ, तो अल्लाह ताला उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी उनको माफ़ भी करेंगे, वह अजरुन कबीर, और उनके लिए बहुत बड़े रिवॉर्ड्स भी हैं।
इस दुनिया के अंदर भी होंगे और आखिरत के अंदर भी होंगे। दुनिया के अंदर असरात होंगे, आखिरत के अंदर उसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। अब इस आयत की प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट इस तरह से बात हो रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को अल्लाह ताला का जो मैसेज है वो सुना रहे हैं, और लोग डिनाइल में, लोगों के हालात अच्छे हैं, पीपल आर हैविंग फन, पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, उनके पास सब कुछ है, कोई मसला मसाइल नहीं है उनकी ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ये मैंने ज़मीन और आसमान किस लिए बनाए, लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये तो टेस्ट हो रहा है, तो पहले ये थॉट प्रोसेस क्लीन करने की ज़रूरत है कि ये इंसान के दिल और दिमाग में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए, अच्छे हालातों या बुरे हालातों, ये टेस्ट हो रहा है। और जब आप वहाँ से रियलिटी को देखेंगे ना, तो आप खुशी में अकड़ेंगे नहीं, खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, लेकिन ये आपको एहसास होगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशी, और इसमें मेरे लिए टेस्ट भी है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। तो आपके कदम जो है ना वो ज़मीन पर रहेंगे, आप फिरौन नहीं बनेंगे मैं और आप। और ऑन द फ्लिप साइड, जब हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी, हमारे पास कोई नेमत होगी, कोई आसानी होगी जो अल्लाह ताला हमसे दूर कर लेंगे, तो अब मुझे दुख होगा, लेकिन मैं कुफर की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ना शुक्रा नहीं बन जाऊंगा, और उसकी जो एक्सट्रीम होती है कि मैं अल्लाह ताला से नाराज़ नहीं हो जाऊंगा, मैं हर वक्त अब कंप्लेनिंग मोड में नहीं चला जाऊंगा। या बहुत सारे लोग इस्लाम भी छोड़ देते हैं। तो सोचिएगा इन आयतों पर, ये आयतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं, और हमें आईना दिखाती हैं, क्योंकि हम सबका ये हाल होता है, और हम क्योंकि इंसान हैं, तो कोई चीज़ छिन रही है, कोई नेमत हमसे दूर हो रही है, कोई मुश्किलात आ गई, तो गमगीन होना, उदास होना, परेशान होना इट्स नेचुरल। लेकिन जो उसकी अगली हद है कि आप जो कफूर का वर्ड अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया ना, वहाँ तक उसको ना लेके जाएं, बिल्कुल ही मायूस ना हो जाए, बिल्कुल ही डिप्रेस ना हो जाए, बिल्कुल ही कंप्लेनिंग मोड के अंदर ना चले जाए। और उसकी दूसरी साइड, दूसरी एक्सट्रीम साइड, कि जब अल्लाह ताला आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ नवाज देना, तो आप उस पर अकड़े नहीं, उसको भी टेस्ट समझ के उसका शुक्र अदा करें, उसमें से जो खैर निकल सकता है करें। तो हमें से जो शख्स इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात में भी फंसा हुआ है ना, उसके पास भी बहुत सारी नेमतें हैं इस वक्त, बस वो देखने वाली आंख चाहिए। आप वो देखना शुरू करेंगे, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे, उस नेमतों को उन तरीकों पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे जिस तरह अल्लाह ताला आपको कहते हैं, ऐसे ऐसे हालात चेंज हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला का वादा है कि जो शुक्र करेगा मैं उसको इंक्रीज तो दूंगा, और वो इंक्रीज जो होगा वो अल्लाह ताला देंगे, कि जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसमें अल्लाह ताला इंक्रीज करेंगे हमें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।